जलाते हैं हमने। बेनी कसम से हमें कानू सारू मौसम पसंद नहीं है सिवाय सर्दी की। सर्दी के मौसम की बात ही अलग है, एक अलग ही मजा आ जाता है। सबसे खुशी तो यही बात की है कि तेरे जैसे दोस्त छील छील के मूंगफली देते है। और सुन जाकू, जाकू एकदम स्वाद बदल जाते है, जो अलग ही दुनिया में पहुंचा देते है। कसम से ऊपर से जी सारी ऐसी आग जले, मूंगफली बने, गजक आए, 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 आए। स्वर्ग को आनंद आ जाता है। सुनो ज्यादा इसे ना मूंगफली खाते खाते स्वर्ग को आनंद, सर को आनंद मत बोलो। काहे कि किसी दिन यमराज यहाँ कहीं आसपास हो, सुन ले तो तुमको सही में स्वर्ग का आनंद ना दिलाए दे। अच्छा बोलो, अब नहीं बनेंगे पकोड़े, सब खत्म। क्या प्याज नहीं, मेरा मूड। मूड मूंगफली खाओ। अरे रे दादा, अबे तो मूड बन रहा हो है। अरे यार बिन्नो, तुम वैसे ही साल में एक बार रसोई में जाती हो, पेट भर के खिला दो बेचारे को। चुप कर यार रज्जो, देख रहो ये होती हैं बीवियां, तेरी वाली गहरी खत्म। बहुत बढ़िया, पनीर के पकौड़े कब बनेंगे? ऐसे है दरोगा जी, तुम हमें सुकून से बैठे हुए नहीं देख सकते ना, हमें देखे नहीं कि बस खाने सोचतो है। अरे रज्जू, तो तुमसे हम प्यार है जितनो है तो फिर तो बना दियो ना है। हाँ, प्यार से तुम सब कुछ करते हैं। इतने प्यार से कभी ये भी कह दो कि रज्जू ठंड आ रही है, तुम्हारे लिए एक लेदर का जैकेट ले लें। अरे इतनी सारी कपड़ा है, लेदर ही को जैकेट काहे चाहिए? तो तुम्हारे पास भी तो है, जे पकौड़े पड़े हैं, मूंगफली पड़ी है, छील के दे भी रहे हैं, जे अंग्रेजी टिकाए रहे हो, अलाव जला रखो है हमने, बाकी बात भी तुम्हें बस पनीर के पकौड़े बना दो। अरे जो लौंडा फोन काय कर रहा हूँ रणबीर, आपस में लड़ भिड़ गए होंगे। देखो गाना ना सुनाए। हाँ बेटा बोल। पापा जल्दी घर पे आओ, तेज तेज भाग भाग के आओ। हैं बेटा ऐसे ऑर्डर ना दे, अपराधी भी सोच समझ के दौड़ती हैं कि आप पुशिंग पीछे कर रहे, जाकू मतलब आराम आराम से दौड़ो जी, तो पकड़ ना पाएंगे। तू बापी को ऑर्डर दे रहे हो तेज तेज आ रहे ना, काय का होगा? अरे जो भी है पापा जल्दी आओ घर पे, एक बहुत बुरी खबर है। हैं चलो चलो चलो, ए आ रही आ रही, एक सेकंड फोन धरो, चलो उठो। अरे यार राय तो फैल गो सत्यनारायण में, बढ़िया काम चल रहा हो तू, अरे उठो। अरे दादा मैंने में भी 1.5 घंटा लगता है, पकड़ ले चलेगा। अरे यार का धरती फट गई है, ऐसा फोन कर रहा हो? अरे पापा देखो का जबरदस्त न्यूज चल रही है। अरे हट बेटा हट, तना देखन दे का चल रहा हो, ए हटो 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 का चल रहा हो, चल उठ तो बेटा इधर से हट। यार सामने से जा रहा हूँ, इतनी न्यूज़ चल रही है तू। अरे यार तू हट ना, देख ले दे न्यूज़। अरे क्या कर रहे हो यार, ब्रेकिंग न्यूज़ है यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल ए टू जेड में। आज की खबर थोड़ी अजीब है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार कानपुर में शीत लहर का कोहराम मचेगा। जी हाँ, आप में से कोई 500 साल पुराना नहीं होगा, वरना कहता कि ऐसा शीतलहर का कोहराम तो 500 साल पहले मचा था। कान मत खुजाइए, टोपी ऐसा ही कर रहे थे। इस बार 500 साल पुराना शीतलहर का रिकॉर्ड टूटने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपकी हड्डियों की कुल्फी ना जमे तो आपको इसके लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखिएगा, वरना उनके नींबू निचड़ जाएंगे और इस शीतलहर में उनकी तस्वीर सिर्फ दीवारों पर टंगी रह जाएंगी। खैर जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे ए टू जेड न्यूज चैनल पर। अरे अम्मा, बड़ी जबरदस्त शीत लहर आने वाली है। हम तो जो कह रहे हैं अबुआ, हम आओ स्टॉक जमा करके रख दे, शीत लहर में बहुत जरूरी है गो टॉनिक। अम्मा साल पहले ठीक से ओढ़ो। सॉल तो हम ओढ़ लेंगे, तू तो अपनी फिक्र कर। चाची हम कह रहे हैं कि देखिए कितना साफ साफ बोल रहा है कि ये शीत लहर किस किस को बहा ले जाएगी, आप अपना ख्याल रखिए। देखो ना स्पीड, हमारी फिकर ना कर, अपनी फिकर कर। हम अभी बहुत जिएंगे, बहुतों के नींबू निचोड़ने बाकी रहेंगे। वो तो ठीक है अम्मा,
लेकिन जो जो सही कह रहे हो, एक तो कहा कि कानपुर की सर्दी तो पता ही है, लेकिन जिस टाइप की जो घटना बता रहे हो तबाही है उन्हें अम्मा, तबाही। हाँ अम्मा, हमें तो ना ठंड का नाम सुन के ठंड लगती है, अब जो शीत लहर तो हमें लगता है बर्फ का गोला बन के ना हम रजाई में दुबके रहेंगे। काम कौन करेगा? हाँ बाबू खुश आ जा, अब बहान में मिल गए, शीत लहर आ रही है अब रजाई से निकली हुई ना। रणवीर अब मजा आएगा क्योंकि स्कूल भी आने वाली है, तो अब तो स्कूल में छुट्टियां होंगी। ये बिल्कुल सही कहो तेने, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वीडियो गेम खेलने के लाने। ओह माय मम्मी, माय बॉडी नॉट हैंडलिंग अ सिंपल कोल्ड एंड दिस इज द शीत लहर मींस कोल्ड वाइफ, हाउ माय बॉडी हैंडलिंग माय बॉडी टर्निंग इनटू द आइसक्रीम। बट मी तो लविंग कोल्ड कोल्ड एंड मी लविंग स्नोफॉल आल्सो एंड मीस फेवरेट इज आइसक्रीम आल्सो। सुनो तुम जब स्टॉक लेने जाओगे चाची का, हमारे भी ले आओ, हमसे तो ठंड में बाहर नहीं जाना जाएगा। ठीक तो तुमसे बाहर चाके फंस गए दरोगा जी। अरे वाह, जो कलर तुम पे बहुत अच्छा लगतू है। दरोगा जी हमें लगतो है ना जे बारी सर्दी हमारी कुल्फी जमा के छोड़ेंगे। अरे दादा तो तुम्हारी कुल्फी पे गिलान की लाने दरोगा तो है गो ना। तुमने रिपोर्टर की बात ना ध्यान से सुनी नहीं लगता है। क्या कह रहे हो तो? 500 साल पुरानी रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने वाली है जे बारी, अब तो ना शरीर में से ज्वालामुखी फटे तब ही बात बनेगी। अरे दादा हमें तो लग रहा हूँ तो हमारे अंदर जो सो लग रही सारी अंगारी बस काम चल जाएगा। तुम और तुम्हारी अरमान, तुम्हारी अरमान जब ठंड पैरन से कानन में घुसेगी ना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे, बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएंगे। अरे सुनो टेंशन न लियो, हम सारू इंतजाम सोच के रखू है। तुम एक काम करो, तनक लिस्ट तो बनाइयो। हम भी सोच रहे थे। हाँ ले आओ बनाओ, का सोची बताओ। जे पुराने रजाई गद्दन से ना काम नहीं चलेगा। बनाओ एक मोटी नई रजाई, कैट मलाइका खिलानी। ओके और एक मोटी रजाई रणबीर ऋतिक के लाने। ठीक। एक अपने चिलगोजन के लाने। एक तुम्हारे हमारे लाने और एक अम्मा के लाने। कर नहीं नहीं नहीं, अम्मा की रहन दो, अम्मा की रहन दो। काहे रहन दे अम्मा की, हमारी भी तो अम्मा है, हम उनको ठिठुरते हुए थोड़ी ना देख सकते हैं इतनी ठंड में। अरे तो हम कभी कह रहे तुम्हारी अम्मा नहीं है, हमें भी फिक्र है उनकी, लेकिन काहे के उनकी लाने रज्जू अंदर वाली रजाई लेने पड़ेगी। उनको कूटाम फुल कर देंगे, अम्मा की चिंता फिर दूर हो गई। लेकिन बच्चन के लाने तो लेने पड़ेगा जैकेट मोटी वाली, मफलर हमारे लाने शाल, अम्मा के लाने शाल और दस्ताने मोजे। दरोगा जी जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है ना सब कमरन में हीटर लगाने का। सही है सही है, तुम्हारी लिस्ट देख के हमारी सारी ठंड में पसीना छूट रहे। ये तो मैं बहुत पसीना छूट तो है। हमें ऐसा लग रहा है न्योछावर तनक ज्यादा खाने पड़ेगी, काहे लिस्ट तनक लंबी हो रही ना। हम क्या कह रहे दरोगा जी? हाँ। तुम तो जानते हो ना हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती, ठंडी के नाम से ऐसे कपकपाते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। रसोई में काम भी बहुत ज्यादा होता है, जब ठंड ना ऐसे पैरन से घुसती है तो कुपड़िया में जाके जम जाती है, बर्फ का गोला हो जाती है। मुद्दा पे आओ। हाँ तो मुद्दे की बात ये है, जो ठंड वाली खबर जब से आई है ना वैसे पहले से बाजार में कश्मीरी फिरन बिकनी शुरू हो गई है। गर्माहट रहती, बड़ी सुंदर सुंदर दिखती है, थोड़ी सी महंगी है पर मतलब पूरी सर्दी निकल जाएगी, ज्यादा नहीं बस 8,000 की। नहीं नहीं शर्माई लेकर आई दरोगा जी, तो हम सोच रहे थे बस 2 हमें दिला दो, पूरी सर्दी का काम बंदोबस्त हो जाइए। छोड़ो यार जी फिरन बिरन, तुम तो खुद कश्मीर की कली हो, ये फिरन बिरन के चक्कर में सारू हमें लग रहा हमारी जेब में जो लंबी सुरंग खुद जाएगी। तो सारी सर्दी हमें सिर्फ ठिठुरते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे। ऐसू कही का हमने, ऐसू नहीं कही, तुम्हारी कुल्फी जम रही चलेगी। ना ना अभी हम माहौल बना देंगे, तुम्हारी ठंड निकल जाएगी। आओ लिस्ट हटाओ, जाके अंदर आओ। कैसी कही? कछु नहीं कही। घुमाओ कैट अच्छे से। इट इज योर्स।
What happened? What happening? What running in your mind now? Cat, have you heard the current affairs, the news right now? What's going on screen pe? Actually, cold vibes coming in the Kanpur mein. What? अरे वो ऐसे क्या बोलते हैं वो शीत लहरें आ रही हैं कानपुर में. Cold babes, कमलेश, cold babes. Media. Yes, yes, me listening that news and me very excited. Meaning, if Kanpur mein cold babes coming, then snowfall also coming and me still love snowfall. Then Kanpur becoming Squizzerland. Squizzerland, favorite snowfall. You enjoying just because you have chhat, you have beautiful house. But my body beautiful house less. My body less of chhat. How me surviving? Me to just kukur ke mar jaunga na thand mein baba. Yes, you are right, but. I don't know, me is having no idea. What doing then? Cat, if you have not minding, I have an option. Can you allow going my body go put in your house mein chhat ke niche? What? No. You mad? My Happu father is listening, no? Coming to knowing, then Happu father not making you living here in Angan also. He throwing you, kicking you out from here also. So, no. Cat, too much cold wife. With the open my bed in the sky, too much cold vibes. How me survive in the lots of cold vibes? How me manage alone? It's huge cold vibes. Actually, Kamlesh, the truth is, you can manage thund, but you not managing my Happu father's beatings. It pains you. Yeah, Papa, such a sweet person. I love her tummy. Actually, you just ask your papa, say, definitely, she say, yes, kawwa, aaja. Because me to just like pet, chup-chap kone mein so jaunga, and then me say, oh, my mummy, oh, cat, oh, my cold wife. Fine, Kamlesh, okay, fine, me try. Me is only try one time, okay? Me asking father one time only. But me is not promising anything, huh? Me not knowing father mood, depending on your luck. सांस ले ले, पहले सांस ले ले, मेरे लाने नहीं, अपनी बीबी की लाने ले ले. तेरो जिंदा रहना बहुत जरूरी है, मर बुरू ना जाइए. पहले ठंडी एक बार ऐसे कर. अब बोल आराम से बोल. सर, पूरे कानपुर में हीटर आउट ऑफ स्टॉक हो गए सर. एक भी नहीं बचा. लोगों ने सारे के सारे खरीद लिए सर. सारे के सारे खरीद ले कैसे? पैसे देकर. तुमको पगला है क्या? जो तो हम उनको पता पैसे देते हैं, लेकिन हम आओ जो कहने को मतलब है क्या? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो लुट गए बिल्कुल सब खरीद ले लोगों ने? सेम टू सेम आफत सर, जिसके चक्कर में आपने मुझे कुत्ते की तरह दौड़ाया सर. सर, शीतलहर से बचने के लिए लोगों ने हीटर की एडवांस बुकिंग कर ली है सर. एक भी हीटर नहीं बचा. मनोहर, एडवांस बुकिंग हो गई बेटा, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. अबे तेरे अकेले के लिए ठंड बढ़ रही है क्या? Oh my God. नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर. ठीक है, लगते तो बोलो का. मैं नहीं सर, आई एम सॉरी सर. ठंड के मारे मेरे जबान सुन पड़ गई है सर. हम जा रहे तेरी जबान खींच के हथौड़ा से कुचल देंगे. आप जैसे देवता के लिए मेरे मुंह से अपशब्द निकल रहे सर. बिन्नो, जब मुझे ठंडी को भी ना जई साल रिकॉर्ड तोड़ना हो तो बताओ. हमने सोचा होता जय बारी संक्रांति पे अपने लिए नए झुमके बनवाइए, पर अब लगता है जे सारा पैसा ना ठंड रोकने में चला जाएगा. रज्जो, तुझे पता है मैं तो सोच रही थी इस ठंड में बेनी के साथ नैनीताल जाऊं, छोटा सा हनीमून मना लेती. लेकिन सारे पैसे यहीं खर्च हो जाएंगे तो जाएंगे कैसे? गजब मजाक करती हो तुम हैं. घर में ठहरे तुम दो मुर्गा मुर्गी, जब मन करे तब कुकड़ू कु करो, जब चाहो तब भाग लो. सोचना तो हमें पड़ता है, बताओ. एक दूसरे की शक्ल देखने के लाने भी ना मैं ना गुजर जाता है. वाह, जे खूब कही बहू. बिना शक्ल देखे नौ ठैया पैदा है गए. जो तूने शक्ल देखी होती तो तू तो गांधारी का रिकॉर्ड तोड़ देती. जम्मा का कान भी ना ऐसी सब बातों पे बराबर चलता है. एक काम कर. वो है ना रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स, उतर पे जा, उतर पे तो को हीटर मिल जाएगा. हमारा नाम ले लेंगी.
सर रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक खुद अपनी दुकान के बाहर लकड़ियां जलाकर अपनी अपने हाथ सेक रहा था सर। ढीगला टटो को बड़ी हंसी आ रही। आंदे बेटा शीतलहर आंदे, तेरे तो एक भी बाल नहीं है ना, सारे ठंड में तेरी कुल्फी जमाएंगे पहले और मार मार कर रमतूला बना देंगे। और ज्यादा हंसेगो ना, अबे तो बेटा जाए कंबल के ऊपर बैठो है, सारे बर्फ की शिल्ली पे लेटाएंगे, मुंह बंद करके बैठो कर। वैसे सर मैंने रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी एक दो जगह ट्राई किया सर, लेकिन दुकानदारों ने आपका नाम सुनते ही मेरे मुंह पर शटर बंद कर दिया सर। तो सर अब शीतलहर से बचने के लिए हम क्या करें सर? हीटर तो लगेगा सर, हीटर की बहुत जरूरत है सर। एक काम कर, हीटर समझ गए, रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स को जो धीकू लट्ठ मालिक है ना, सारे को कुत्तन जैसो खींच के ला हमारे पास, हमने सारे को लाइसेंस दो तो आज जाके तब जाके सारो हीटर बेच पा रहो, हम को नखरे दिखा रहो, हीटर की देख थाने में लाइन लगवा देंगे। क्या लगवा देंगे? लाइन बुला के ला सारे के घसीट के। तो सर मैं उसी लाइन में से एक हीटर रख लूं सर? क्या बोलूं? मैं चाहता हूं सर। जो बारे अम्मा जी ठंडी से छुटकारा पाने के लाने का बनाए? हम कह रहे हैं बहू वो सूखे मेवे के लड्डू बना दे, और सुन घी ना खूब डालियो, का सूखे मेवे से ना शरीर गरम रहता है। हाँ अम्मा, और हम सोच रहे थे ना अम्मा कि तुम्हारे लाने मेथी और गोंद के लड्डू बना दिए। वो सब तो ठीक है, गोंद के लड्डू भी बना दे, और हम ये भी सोच रहे हैं कि बहुत सर्दी होने वाली है तो हम हपुआ को फोन करके कह देंगे कि हमारे स्टॉक बढ़ा दे, खासकर इंग्लिश को। अम्मा मैं क्या बोल रही हूँ, ज्यादा ठंड पड़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी दवा दारू बढ़ा लो, सेहत के लिए अच्छा थोड़ी है। तो डॉक्टर मनोज काय बन रही है, हमारी सेहत बोल बिल्कुल सही आएगी। और सुन हम कौन सा 24 घंटे टिकाते रहते हैं, बस हम तो शाम को थोड़ा सा टॉनिक लेते हैंगे और फिर रजाई में घुस के सो जाते हैं चैन की नींद। ज्यादा टॉनिक टिकाने से ना सोचने समझने की शक्ति ना धीमी हो जाती है। देख हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत सही हैगी, ठंड में टॉनिक की जरूरत होती हैगी। ठंड के फायदे भी आएंगे, जे हपुआ भी ना बाई ठंड की सौगात है गो। रज्जू रज्जू तुझे पता है इसलिए तो मैं कहती हूँ ठंड में दुर्घटना के चांस बहुत होते हैं। एक बात बता, तुम अपने बारे में कह रही हो कि हमारे दरोगा जी को दुर्घटना कह रही है?